मथुरा के थाना शेरगढ़ पुलिस व सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनाम के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे जेल भेज दिया। मथुरा SP के निर्देशन में शराब तस्करों के खिलाफ लगातार चेकिंग अभियान जारी है। इस दौरान शराब शेरगढ़ पुलिस व सर्विलांस टीम ने मुखबिर की सूचना पर शराब माफिया जितेंद्र निवासी राजीव नगर फरीदाबाद को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता के दौरान SP सिटी अशोक कुमार मीना ने बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त शातिर किस्म का शराब तस्कर है, जिसके ऊपर मथुरा जनपद के अलग अलग थानों में शराब अधिनियम के मामला दर्ज है और मथुरा जनपद से 25,000 का इनाम भी रखा हुआ था, जिसे मथुरा के थाना शेरगढ़ पुलिस व सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्त का कारोबार अन्य राज्यों में भी चल रहा है, जिसकी भी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। थाना शेरगढ़ पुलिस और सर्विलांस सेल ने एक शराब तस्कर जो कि 25,000 का इनामी भी है उसे गिरफ्तार किया है और ये थाना शेरगढ़ से मुकदमा अपराध संख्या 144/19 के अंदर 420, 468, 471 और एक्साइज एक्ट के अंदर ये वांछित चल रहा था और ये एक बड़ा शराब तस्कर है जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश में शराब की तस्करी किया करता था और इसने ये भी एक्सेप्ट किया है कि बिहार हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ बाकी जगहों पर भी काफ़ी मुकदमे हैं, उसका आपराधिक इतिहास भी मालूम किया जा रहा है। और इसके अलावा इसने बताया है कि इसके अलावा ये जो व्यक्ति है जितेंद्र और जीते ये थाना फरह का जो 104/19 अपराध संख्या है जो कि 302/201 का मुकदमा है उसमें भी ये वांछित चल रहा था। और इसके अलावा इसने कुछ बड़े लोगों के भी नाम बताए हैं जो कि शराब तस्करी में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को वेरीफाई किया जा रहा है और उसके आधार पर वेरिफिकेशन के आधार पर एविडेंस के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।